हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, पाइथन के सारे ऑपरेटर्स अब अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या तरीका है? ऑपरेटर्स कितने होते हैं? तीन तरह। ऐसे ऑपरेटर्स जो केवल एक ऑपरेंड यूज करते हैं उनको हम कहते हैं यूनरी। ऐसे ऑपरेंड ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स यूज करते हैं सारे बाइनरी होते हैं। इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स और बहुत सारे आ जाएंगे। टर्नरी तीन ऑपरेंड्स यूज करता है, हमने आपको बताया था। इफ एल्स का एक सब्स्टिट्यूट है। अब यूनरी कितने आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं? यूनरी प्लस यानी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 5 प्लस 5 माइनस 5, यूनरी प्लस यूनरी माइनस 1। एक हो गया नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है और ये यूनरी भी होता है क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए एक ही कंडीशन होती है उसको वो ट्रू या फॉल्स में बदल देता है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेंड बिटवाइज ऑपरेटर है कौन सा? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये भी क्या है? यूनरी ऑपरेटर। हम सब पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से? एरिथमेटिक ऑपरेटर ठीक है, और आपका बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल असाइनमेंट, और तीसरा आपको पता ही है। ठीक, अब इसमें कोई ये तो कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। यू प्लस फाइव माइनस फोर। नॉट ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई कंडीशन लिखते हैं और अगर हम उसके पहले नॉट लगा देंगे तो वो कंडीशन की वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू 10 और मैं लिख रहा हूँ नॉट ब्रैकेट के अंदर एक्स इज लेस देन 10, तो मतलब लेस देन 10 कंडीशन क्या हुई? ये अंदर कंडीशन क्या हुई? इसका आंसर क्या आएगा? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 10 इज लेस देन 10, क्या 10 10 से छोटा होता है? नहीं होता ना। तो इसका आंसर क्या बना? फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स पर नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा इसका आंसर? समझ में आई ये चीज? फाइन, क्लियर है ये फंडा? आगे चलें? बिल्कुल बताया करो, जो चीज नहीं समझ, सर नहीं समझ आ रहा प्लीज आप। ठीक है ना, ये तुम्हारा मिस ड्रॉबैक है, तो फौरन कवर अप करो, जो चीज नहीं है उन्हें फौरन बताओ। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट पे अभी हम आएंगे, वो तो हमने ऐसे ही आपको बता दिया। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने हैं? कितने हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स? प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई। अब पाइथन में एक नया ऑपरेटर होता है फ्लोर डिवीजन, मॉडलो भी होता है। कितने ऑपरेटर क्या है? और डबल एस्ट्रिक साइन, ये सब कौन है? सब एरिथमेटिक ऑपरेटर। सबको सॉल्व करने के लिए आपको दो ऑपरेंड चाहिए, यानी सब लोग दो ऑपरेंड पे ही काम करते हैं। सारे ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक तो होता है बिटवाइज और, ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज एंड है, और ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, और ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है। इसमें से ये तीनों के तीनों तो बाइनरी ऑपरेटर है। ये यूनरी ऑपरेटर होता है वो यहाँ दिखा हुआ है मैंने। बिटवाइज काम कैसे करता है वो बताती हूँ। हर नंबर को डेसिमल नंबर तुम्हें मिलेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन है? रिलेशनल कौन कौन है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू यानी कंपैरिजन ऑपरेटर, और नॉट इक्वल। ठीक है, इतने तुम्हारे। अच्छा, इसके अलावा भी है इन, क्या इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं आता? ये भी तो कंपेयर कर रहा है, ये भी तो ये चेक कर रहा है ना रिलेशन की इसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, बराबर है, जैसे वो बराबर चेक करते हैं, वो वैल्यू कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड वैल्यू के इक्वल है या नहीं। ये चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड वैल्यू राइट साइड वैल्यू में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, ये पाइथन स्पेसिफिक है। इस ऑपरेटर क्या चेक करता है? आइडेंटिटी, एड्रेस। क्या ये मैंने पढ़ाया है आपको? अगर नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता दूंगा। उल्टा बड़ा इशू इज हो गया, इन हो गया, और कोई बचा है? और तो भी नहीं बचा। वो इन नॉट इन ठीक है, थोड़ा है इज नॉट इज वो अलग चीज। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन होता है? सिंगल इक्वल टू। जैसे आप x इक्वल टू 5 लिखते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू नहीं होता, इसका एक्चुअल नेम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एक्चुअल नेम है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसका एक्चुअल नेम क्या है अभी बताया? आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी कंपेयर करता है, एड्रेसेस कंपेयर करता है। ठीक
इसका नाम क्या है? मेंबरशिप ऑफ, ये नाम भूल जाते हैं बच्चे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें आता है, इसको मैं तुम्हें जस्ट बता देता हूँ, इट विल ऑलवेज रिटर्न द आंसर इन ब्लू, ये भी बता चुके, करवाया भी था। 15 को डिवाइड करो 7 से, और 15 को डिवाइड करो डबल डिवाइड करो 7 से, और 15 को मॉडलो करो 7 से, समझ आ रही है बात? इसका आंसर क्या आएगा? एक्जेक्टली पूरा फुल फ्लोटिंग पॉइंट आंसर आएगा, करके देखो ना, ठीक है, करके देखो, मतलब मैं भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। Now see, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? 15 सिंगल डिवाइड 7, अच्छा बिग नंबर, 15 डबल डिवाइड 7, ठीक है, 15 मॉडलो 7, 1 आएगा, रिमाइंडर निकालता है, मॉडलो क्या निकालता है? रिमाइंडर, यानी कि 15 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में जो पोर्शन बच रहा है वो वैल्यू अगर आपको रिटर्न करनी है, कैच करनी है, अब मॉडल यूज करोगे, इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा बेटा पढ़ाई भी करना पड़ेगा सबको, आए और नहीं ना पढ़ोगे तो क्या होगा, आए क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखना कि जब हम फ्लो डिवीजन यूज करेंगे, और अगर हमने फ्लो डिवीजन यूज किया लेकिन फ्लोट बना दिया इसको, तो भी 2.0 दे देगा, इंटीजर पार्ट ही देगा, फ्लोट पार्ट नहीं देगा, ये ध्यान रखना इसको। अच्छा क्यों देगा, ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि होता ही है कि हमने आपको पढ़ाया था ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी टाइप बड़ा होगा तो छोटा वाला डेटा टाइप बड़े वाले डेटा टाइप में प्रमोट हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो नंबर क्या होगा? ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रिया तुमने जावा पढ़ी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि शायद आगे पीछे पड़ेगा, अगर हमने 7.0 लिखा तो ये फ्लोट नहीं होता, ये बाई डिफॉल्ट डबल होता है जावा में, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती, तो एक अलग टॉपिक है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, अब तो जरूरत ही नहीं होगी उसकी, मैं तो हो गया सब्जेक्ट है, टू डबल एस थ्री क्या करेगा, 2 की पावर 3, पावर का काम करता है, बड़ा बेसिक है। अब लेकिन क्वेश्चन तुमको इतना सिंपल थोड़ी पूछा जाएगा, अगले सेक्शन पे देखो, यहाँ तक समझ आ गई ना, अब आगे सेक्शन पे तुमसे पूछ रहा 2 डबल एस्ट्रिक माइनस 3, अयो ये क्या है सर, यो तो मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा 2 डबल एस्ट्रिक माइनस 3 को तुम ये लिख सकते हो कि नहीं, 1/2 की पावर 3 क्या बना, 1/8, अभी डिवाइड करो 8 7 को, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, आंसर आ गया, समझ में आया नहीं आया? ओ भाई साहब, ओए तुसी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा भाई साहब, 2 डबल एस्ट्रिक माइनस 3 आ गया आंसर, भैया 8 से डिवाइड करोगे यही आंसर आता था, चलो आगे बढ़ो, छोड़ देना इसको, देखो फ्लोट डिवीजन आ गया सर, खुशी 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 देखो, खुशी खुशी, पॉजिटिव नंबर तो सॉल्व करना आसान है ना, पॉजिटिव नंबर सॉल्व करना आसान, रिया को भी उसको भी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर सॉल्व करने होंगे ना तो भाई थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, यस, इसका दूसरा नाम क्या है फ्लोट डिवीजन का? ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर, तुमसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर, है लिखा है किताब में, तो लिखा नहीं जिम्मेदार अरोड़ा ने, तो लिखा नहीं पेपर में, पूछा गया है, समझ गया, पता रहना चाहिए। दूसरा नाम क्या, तीसरा नाम क्या, क्लियर हो गया, 3 नाम हो गए, काम तेरे कितने नाम, उसी तरह ये भी है, पी फ्लोट डिवीजन क्यू, हाँ जी मतलब क्या हुआ, क्यू मस्ट नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए नहीं तो जीरो डिवीजन एरर आएगी, ठीक है ना, और पी क्या करेगा आप लोगों को पता है क्या करेगा, ये मैंने आपको करके दिखाया, ये फ्लोट पार्ट निकाल है, लेकिन इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे सर, पॉजिटिव तो आता है हमको करना, इसका पॉजिटिव तो आप फट से निकाल दोगे, 3 आएगा, 3.0, 4 3 12, 3.0 आएगा सर, पॉजिटिव नंबर है 3.0 आएगा सर, ये पॉजिटिव है दोनों, 2 से डिवाइड करो 2 4 8 आएगा, 2 4 4 आएगा, 4.0 आएगा कि नहीं आएगा, 4.0 पक्का, लेकिन सर ये 12 फ्लोट डिवीजन माइनस 5 को सॉल्व कैसे करें, तो हमें नहीं आता, स्नेहा बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको,
स्नेहा को पता है मालूम, स्नेहा को पढ़ाया था मैंने। माइनस सही है, हाँ माइनस थ्री इसका आंसर, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लोर फंक्शन यूज करता है। फ्लोर फंक्शन का काम ये होता है कि ये हाईएस्ट इंटीजर देगा, यूं समझ लो इस नंबर से बड़ी इंटीजर देगा, ये आंसर कुछ ऐसे बनेगा। अब जब इसको 12 को 5 से डिवाइड करोगे, और माइनस है कोई भी एक माइनस है, तो 5 टू जा 10 हो गया, ये आएगा 2, पॉइंट रखोगे 0 लगाओगे, 5 4 जा 20 हो गया, आंसर कितना हुआ 2.4। ठीक है, अब 2.4 जब आप फ्लोर में निकालोगे ना, तो मुझे बताओ कि इसकी अगली बड़ी नंबर कौन सा है, यानी इसका अगला नंबर कौन सा होगा जो इससे छोटा होगा लेकिन इंटीजर हो। माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री होगा। दो फंक्शन होते हैं, एक होता है फ्लोर, एक होता है सील। एक होता है फ्लोर, सील मतलब हमारे घर में क्या है, एक फ्लोर है जहाँ तुम बैठे हो, और एक सील है जहाँ तुम्हारा पंखा टंगा हुआ है। मैं जब बचपन में पढ़ रहा था इसको, जब मैं पढ़ा करता था अपने टाइम पे, मैं कंफ्यूज बहुत होता था, तो मैंने इस तरह से समझ लिया कि फ्लोर का मतलब है लोएस्ट में लाना है, और सील का मतलब हाईएस्ट में लाना है। सील ऊपर होती है हायर, फ्लोर नीचे होता है। मैंने इस तरह से इसको पढ़ लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 50 चीजें पढ़नी है, मैंने अपना एक सोल्यूशन निकाल लिया, तो मैं उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई माइनस 2.4 है, फ्लोर का मतलब अगला छोटा नंबर इससे लेकिन इंटीजर में कौन सा होगा, होगा माइनस थ्री। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ जैसे ये वैल्यू ना एक्सीड करे ना, 0.1 हो जाए, 0.2 हो जाए, उसका मतलब छोटा नंबर लाओ। अब 17 को -17 फ्लोट 4 करोगे तो क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आया नहीं है, -4 पॉइंट समथिंग हो भी होगा, 4 फोर जा 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। अब क्या करोगे, 4 पॉइंट समथिंग का फ्लोर निकालोगे तो क्या होगा, 4 पॉइंट से छोटा वाला नंबर क्या हुआ, 5 ही तो हुआ अगला, आंसर क्या आएगा, करके देखो 12 फ्लोर डिवीजन 5, आंसर निकालो 12 फ्लोर डिवीजन 5, कौन है माइनस में, किसी को भी माइनस कर दो, आया 17 फ्लोर डिवीजन क्या था, 4 था ना, 4 क्या आया, किसी को भी कर दो। क्लियर है टॉपिक, अब याद रहेगा, ये भूलना नहीं, पेपर में आने वाला है, समझ लेना। चलो क्लियर करो, वी आर मूविंग ऑन, आगे बढ़ो, ये सॉल्व हो जाएंगे सबसे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सेम पॉजिटिव नंबर का निकाल लेंगे, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इसका आंसर बताओ, 14 मॉड फ्लोर डिवीजन माइनस 5 का आंसर बताओ, तुम बताओ, अभी तक नहीं बता पाई, तुम बताओ। वेरी गुड, माइनस 3 2 के ऊपर नीचे ले गई, क्यों नहीं बता पाई, क्लियर है? और ये तो पॉजिटिव नंबर है, माइनस माइनस विल बी कैंसिल्ड, सो इट विल बी अ पॉजिटिव, सो देयर इज नो इशू टू डिस्कस। मॉडुलस ऑपरेटर, अरे बहुत आसान है मॉडुलस ऑपरेटर, क्या करता है मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर निकालता है, पॉजिटिव नंबर से को डिवाइड करोगे रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जाम्पल 12 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर होगा वो आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा इस केस में। लेकिन नेगेटिव नंबर पे सर कैसे काम करेगा, भाई फॉर्मूला है प्रॉपर फॉर्मूला है, आ जाओ, क्या फॉर्मूला है, इधर आओ, ये है फॉर्मूला, इसको लिखो, इस फॉर्मूले को नोट करो, ये मैंने लिखवा भी दिया था, x माइनस वाई एस्ट्रिक एक्स फ्लोर वाई, x माइनस वाई एस्ट्रिक एक्स फ्लोर, तो आंसर सॉल्व करके निकालो, माइनस ट्वेल्व रिमाइंडर फ्लोट मॉडुलस 5, एक्स क्या होगा -12, वाई क्या होगा 5, फाइंड आउट द आंसर।
क्या आंसर रहेगा उसका, क्या आंसर निकाला? 3। एक्स माइनस में रखेंगे तो कितना आएगा? -12। माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। एस पिक -12 फोर डिवीजन 5 ये होगा। अच्छा -12 फोर डिवीजन 5 का आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। 2 पॉइंट समथिंग हुआ, उससे लोअर चाहिए तो -3 हो गया। 5 हुआ, 5 एस पिक हो गया, -12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इस पोर्शन को? -15 आ जाएगा। -15 में जब माइनस लगेगा तो कितना मिलेगा? +15। तो आपका आंसर क्या बना? -12 + 15। आंसर कितना आया? +3। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, ट्राई कर लेते हैं। -12 फ्लोट डिवीजन, सॉरी फ्लोट 5, 3 आ रहा है। और ऐसे कर करोगे तो वो कहेगा -2 आना चाहिए। नॉर्मल अगर सीधे डिवाइड डिवीजन ऑपरेटर यूज किया तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आप सबको? गुड, चलें अब आगे। समझ आ गया बेटा? ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किए, खत्म हो गया मॉडल सर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? 3 तरह के, नॉट एंड और। इसमें से नॉट अभी हम पढ़ चुके हैं, यूनरी था, लेकिन वर्किंग तो यहीं पढ़ेंगे इसकी। नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर तुम इस तरह से सोचो, तुम कंडीशन लिखते हो, कंडीशन के बीच में और लगता है। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर दोनों कहाँ लगते हैं? कंडीशन के बीच में। यानी कि अब और ऑपरेटर काम कैसे करते हैं? क्या लिखा है पहली लाइन? यूज टू जॉइन टू और मोर कंडीशन विच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ट्रू और फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज। मतलब दो कंडीशन के बीच में लग रहा हो या दो वैल्यूज के बीच में लग रहा हो, क्या रिटर्न करता है? मतलब लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स। ऑपरेटर्स, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर, कोई पूछेगा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, वो कुछ ही नहीं पूछ रहा, वो और नहीं पूछ रहा, और एंड नहीं पूछ रहा, नॉट नहीं। क्या है लॉजिकल ऑपरेटर? सर लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और समटाइम्स इट इज यूज टू जॉइन कंडीशंस। कौन है उसको जॉइन कर, कौन करता है कंडीशन? एंड करता है और करता है, नॉट से नहीं होती जॉइन कंडीशन, उससे सिर्फ इन्वर्ट होती है। अब और ऑपरेटर क्या करता है? दो कंडीशन तुम्हें किसी ने दे दी, तुमसे कहा कि बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे तुमसे, तुम्हारे सामने लिख दिया x is greater than y और x is greater than z, और यहाँ x y z की वैल्यू दे दी, x comma y comma z is equals to 2, 9, 3। अब बताओ ये जो कंडीशन हमने लिखी है, इसका आंसर हम z में लिखना चाहते हैं, प्रिंट z करने, क्या आंसर आएगा z में? x is greater than y क्या है? अब सवाल है कि सर हमें क्या पता? फॉर एग्जाम्पल मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, सर मुझे नहीं पता कि और कैसे काम करता है। तो अब सुनो, पहली चीज ये कि ज्वाइन कर रहा दो कंडीशंस। अच्छा, और ऑपरेटर क्या ढूंढता है? पहला ट्रू। क्या ढूंढता है? पहली ट्रू कंडीशन। उसको जैसे ही पहली ट्रू कंडीशन मिलती है, फाइनल कंडीशन ट्रू, ओवरऑल आउटपुट इज ट्रू, इट इज नॉट गोइंग टू चेक द राइट साइड कंडीशन। देखो मैंने यहाँ लिखा, पहले पॉइंट क्या लिखा? यूज टू ज्वाइन टू और मोर कंडीशन। एक्सप्रेशन वन इक्वेशन भी होता है, हमेशा कंडीशन नहीं होती, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिखा आगे? इट रिटर्न्स ट्रू। कब ट्रू रिटर्न करता है? इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। आपने 10 कंडीशन लिखी, जैसे आपने लिखा सी एच इज इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल टू ई आई सी एच इज, इस तरह से आपने 10 कंडीशन लिखी वॉवेल के लिए, तो कोई एक ही तो कंडीशन ट्रू होगी 10 में से, क्योंकि वो एक ही तो कैरेक्टर उठेगा। अब वो एक कैरेक्टर एक टाइम पे ए आई यू यू हर सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, वो तो कोई एक कैरेक्टर होगा, एक कंडीशन ट्रू, बाकी सारी फॉल्स। आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? और जैसे आपसे कोई कहता है कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करो, जैसे तुमसे किसी ने कहा, बस तुमने ध्यान सुनो मतलब की चीज है, यहाँ पर तुमसे किसी ने कहा कि बड़ा बेसिक सा चीज दी तुमको, तुमसे कहा ये प्रोग्राम बना लेते हो? उन्होंने कहा हाँ सर बना लेते हैं। तो बताओ टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम बना लेते हो? उन्होंने कहा हाँ बना लेते हैं, चलो बनाओ, बना के दो। दो नंबर जोड़ने का प्रॉब्लम आता है? उन्होंने कहा आता है, बना के दो। ठीक है सर बहुत आसान है, n1 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं सर, n1 कॉमा, मैं अपनी तरीके से लिख रहा हूँ, n1 कॉमा n2 इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट, एंटर,
मैंने तुम लोग से एक दिन बोला था एक एक ही लाइन में दो वैल्यू कैसे रीड करोगे, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। एंटर टू नंबर्स। अब ये ना पूछना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ आता है। अब बताओ मैं दो अलग अलग वैल्यू उठाऊंगा, डॉट डॉट लगा उठेगा एन वन कोमा एन टू, सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ। चलाओ उसको, एंटर टू नंबर पूछ रहा है, मैंने लिखा टेन स्पेस ट्वेंटी, आगे टेन कोमा ट्वेंटी। देखिए ये दोनों टेन और ट्वेंटी स्ट्रिंग में रहेंगे, क्योंकि स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को तोड़ता है, पहली वाली भी स्ट्रिंग है और दूसरी वाली भी स्ट्रिंग। बात समझ में आई? अब तुम इसमें ना अगर तुम ये लिखते ना प्रिंट एन वन प्लस एन टू, तो ये मालूम कॉन्केटिनेशन कर देता, इससे पता चल जाएगा स्ट्रिंग को तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा और नंबर होगा तो थर्टी आ जाता। तो ध्यान से देखो, और ये थर्टी नहीं देगा, टेन ट्वेंटी, है समझ में? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंट ये हो गया और इंट अलग अलग बदलना पड़ेगा ना इनको, इनके एक्चुअल इवन लेके भी कर सकते थे, लेके भी कर सकते। बोलो अब चल जाएगा। हमने लिखा 255 स्पेस 366, हो गया टोटल, दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बना लिया। अब कोई तुमसे यही पूछ लेता, एक नंबर प्रोग्राम तुमसे कह देता दो नंबर रीड करो एक लाइन से, तो ये कैसे होगा, एक इनपुट से एक ही तरह ने सिखाया, आज तक आते ही नहीं, स्प्लिट भी तो पढ़ाया था तुम लोगों को, क्या हो गया स्प्लिट का। ठीक, अब इनको कंपेयर करो, ये करो वो अलग चीज। अब तुमसे किसी ने कह दिया ये प्रोग्राम तुमने बनाया है, इस प्रोग्राम को तुम तब तक चलाओ जब तक यूजर कहता है विश टू कंटिन्यू, यानी जब एक बार चल जाए तो ये तुमसे पूछे क्या तुम इसे फिर से रन करना चाहते हो, और अगर यूजर यस प्रेस करे, वाई प्रेस करे, लोअर में यस दे, अपर में यस दे, कुछ भी दे, तो चलना चाहिए। और अगर वो यस के अलावा, वाई के अलावा कुछ भी दे दे, तो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए, मतलब बाहर आ जाए, प्रोग्राम बंद हो जाए। सर ये कैसे होगा भाई, बड़ा आसान है, वाइल वन लगाओ या वाइल टू लिखो, कुछ भी लिख दो, ये प्रोग्राम अब इनफाइनाइट लूप हो गया, ये प्रोग्राम अब इनफाइनाइट लूप हो गया, क्यों, क्योंकि चलता रहेगा, कंडीशन कभी फॉल्स होगी, कभी नहीं होगी। तो तुमने क्या किया, एक बार प्रोग्राम चलाने के बाद तुमने यूजर से कहा डू यू विश टू रन अगेन, ने क्वेश्चन पूछा उससे और आगे लिखा प्रेस नेक्स्ट लाइन से स्लैश एन प्रेस वाई स्मॉल वाई, अभी सिर्फ वाई पे चला रहे हैं और यस, ठीक है, ये तो मैसेज हो गया। मैसेज होने के बाद यूजर से वैल्यू भी तो लेनी चाहिए, नहीं यूजर से वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से वैल्यू कौन सा फंक्शन लेता है, इनपुट के अलावा नहीं होता, बस इनपुट ये कहता है, इनपुट में ही कीबोर्ड से भी ले लेगा, मैसेज भी ले लेगा, तो मैसेज भी दिख जाएगा, फिर तुमसे वैल्यू ले लेगा। हमने ये काम अलग अलग कर दिया, मैसेज हमने प्रिंट पे दे दिया, इनपुट को खाली कर दिया, अलाउड है, चलेगा बिल्कुल बिना कोई इशू प्रॉब्लम के चलेगा। अब यूजर से हमने ऑप्शन लिया, क्या चॉइस दी उसने, चॉइस यूजर ने चॉइस दी, चॉइस इज इक्वल्स टू। अब अगर ये चॉइस ना, अगर ये चॉइस, अब यूजर ने चॉइस दी, अगर ये चॉइस वैल्यू क्या है, स्मॉल वाई हो, है ना, अगर स्मॉल वाई हो और है ना चॉइस की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल वाई भी तो यूजर टाइप कर सकता है, तो कैप्स लॉक ऑन था उसने कैपिटल वाई टाइप कर दिया, तो भी तो यस करवा रहा है वो, तो क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, पास करो, कंडीशन ट्रू रहेगी। अभी रुकना, एल्स कहाँ जाएगा, लूप से बाहर निकल जाओगे ब्रेक करके, ब्रेक क्या करता है, जिस लूप में ब्रेक लगता है उस लूप से बाहर ले जाता है तुमको, ठीक है। तो अब देखो सोचो कि तुमने इस प्रोग्राम को यहाँ से यहाँ तक, तो ये तुमने मैंने चला दिया, ये प्रोग्राम इस लाइन तक तो चल गया, ये लाइन चल गई, इसके नीचे क्या लिखा है, इसके नीचे ये है कि जो प्रोग्राम चलने के बाद हम यूजर से पूछे क्या तुम इसे एक बार और रन करना चाहते हो, तो वो जो अपन कर रहे थे ना, और कंडीशन कहाँ आती है, आई है और कंडीशन आई ना, कि यूजर वाई भी दे सकता है, कैपिटल वाई भी दे सकता है, सर यस लिख दे तो भी तो उसका मतलब है वो करना चाहता है, बढ़ सकते हैं ना सिचुएशन, तो हम उसके लिए भी करेंगे, लेकिन तुम्हें समझ में आया कि नहीं, और का लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, तो तुम अलग अलग कंडीशन लिखना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि कभी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी प्रोग्राम रन हो जाए, ये कंडीशन रन हो जाए तो भी प्रोग्राम रन हो जाए, तो यस कर दो। अब कह दो सर कैसे रन हो रहा होगा,
भाई ये पता कैसे रन हो रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे रन हो रहा होगा। ऐसे रन हो रहा होगा कि जब तुम इधर आओगे इधर आओगे इधर आओगे, बॉडी में हो, यहाँ भी आगे बॉडी में हो, कंडीशन तुमने कोई दी, मान लो वाई दिया है, कोई भी वाई दिया, लोअर दिया आप इधर, लोअर दिया है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन और ऑपरेटर अगर लगा है और अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो फाइनल कंडीशन ट्रू हो गई, तो बॉडी में जाएगा। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता कुछ मत करो, डू नथिंग। और अब लूप से बाहर तो नहीं जाने देगा ना। अब बताओ लूप की आखिरी लाइन थी कि नहीं थी? क्या ये लूप की आखिरी लाइन नहीं थी? क्योंकि एल्स में थोड़ी जाएगा, या तो एल्स चलता है या फिर स्किप चलता है, और लूप से भी बाहर नहीं जाने देगा तो कहां ले जाएगा वापस? कंडीशन ट्रू पे वाइल ट्रू फिर से अंदर शुरू हो जाएगा, फिर अगला नंबर लेगा, फिर तुमसे इसी तरह पूछेगा दो नंबर, और फिर तुमसे कंटिन्यू करेगा, और इस तरह प्रोग्राम चलेगा। तुम यहाँ अपना नाम लिख दो, तीन लाइन का प्रोग्राम लिखने से अपना नाम लिख दो, तुम्हारा नाम प्रिंट होगा तो कहेगा डू यू विश टू रन अगेन, यस, तो वो फिर तुम्हारा नाम प्रिंट कर देगा। तुम एक लाइन का प्रोग्राम बना चाहो, 1000 लाइन का प्रोग्राम बनाओ, विश टू कंटिन्यू का लॉजिक समझ आया कि नहीं? तो भाई सबको समझ आ गया, ठीक है, और का लॉजिक समझ आया? तो मतलब यही है प्रोग्राम, तुम यहाँ ये तीन लाइन लिखी है, तुम यहाँ फैक्टोरियल का बनाओ, दो नंबर ऐड करने का बनाओ, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ भी बनाओ, लेकिन एक प्रोग्राम को विश टू कंटिन्यू के कॉन्सेप्ट पे चलाने का तरीका क्या वो सिखा दिया, और ऑपरेटर कैसे यूज होता है वो सिखा दिया, और अभी हम तुम्हें इसका और सिंपल तरीका बताएंगे। अभी हमने तुम्हें बताया ये हो गया, ऐसा नहीं कि जो हम कोड बता रहे हैं वही एक फाइनल तरीका, अरे भाई 50 तरीके हैं कोड को लिखने के, तुम्हें जो समझ में आए, तुम्हारी क्रिएटिविटी, क्या पता तुम्हारी क्रिएटिविटी मुझसे कहीं ज्यादा आगे हो, ठीक है, अभी तो तुम सीख रहे हो ना, जब एक बार चलाना सीख जाओगे तो जाओगे आगे, है ना, ठीक हो बस। अब देखो हम क्या करेंगे, चलाओ इसको, तो चलाओ, अच्छा एक मिनट मैं इसको बंद कर दूंगा कि क्लीन आ जाए थोड़ा सा, अभी इंटर द टू नंबर 10, क्या हो गया? अच्छा वो मेरा कीबोर्ड थोड़ा इशू, मेरा कीबोर्ड का इशू, कीबोर्ड का इशू, मैंने एंटर कर दिया, आई एम सॉरी, 10 स्पेस हो गया, ये 10 स्पेस 55 आ गया, 65 आ गया टोटल उसका, और फिर वो तुमसे पूछ रहा है डू यू विश टू रन अगेन, प्रेस वाई फॉर यस, मैंने स्मॉल वाई दिया, स्मॉल वाई दिया तो फिर वो वही हुआ होगा क्या जो मैंने अभी बताया था, क्या हुआ होगा? कंडीशन ट्रू, पास पे आएगा, पास इसको कहाँ ले जाएगा? वाइल के ट्रू पे फिर चलेगा, देखो चले ना, तो बिल्कुल चलेगा, फिर पूछ रहे नंबर दो, 500 500 आ गया, 55 500 500, नो नो का मतलब क्या हुआ? क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल वाई, अब फिर कंडीशन ट्रू हो गई होगी, फिर जाएगा, फिर दो नंबर पूछ रहा है 33, क्यों गलती हो गई? क्योंकि दो वैल्यू मांग रहा है, और तुमने सब कोड ये भी समझ में सर मेरे में एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि तुमने N1 को तो वैल्यू पास कर दी, N2 कुछ मिला नहीं, N2 मिला नहीं, हो बिना कुछ लिए तो आगे बढ़ गया, तो क्या प्रिंट क्या करूँ, तो मेरे पास तो वैल्यू नहीं आई। तो पाइथन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो वैल्यू ना दे, जावा में पॉसिबल है, सी में पॉसिबल है, क्योंकि जावा और सी ये सब स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ ऐसे दिया जाता है, जैसे इंटीजर N1 लिखना होगा, फॉर्म N2 चल जाएगा, अगली लाइन पे आप लिख सकते हैं N1=10 और N2=20, और सेमीकॉलन देना कंपलसरी है C++ जावा में, कंपलसरी एरर C# सब में, और अगर आपने नहीं दी तो वो पहले आपको सेमीकॉलन की एरर देगा कि सेमीकॉलन नहीं लगा। पाइथन में सेमीकॉलन लगाना ऑप्शनल है, लगा सकते हैं हर लाइन पे लगा सकते हैं, पर ऑप्शनल है। यही पूछ रहे थे बच्चों को, पता नहीं होता है सेमीकॉलन लगा दिया एरर हो गई, एरर नहीं हुई भाई, अलाउड है, समझ में आ गया? देखो यहाँ लगा दो सेमीकॉलन, कोई एरर होगी, कोई एरर नहीं होगी, लास्ट लाइन पे लगा दो सेमीकॉलन, कोई एरर नहीं होगी, ना चले तो पैसे वापस, ठीक है, नहीं करेंगे हम पैसे वापस, नहीं करेंगे हम, ठीक है, चल रहा है प्रोग्राम तुम्हारा, सेमीकॉलन लगा था कोड में, अलाउड है, तो चल गया। अब हमने एन करा तो क्या हुआ, अगर हम एन लिखते हैं तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, और ट्रू तब देगा जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, हालांकि वो किसी एक के लिए चलता है और लेफ्ट से पहली के लिए, अगर उसे लेफ्ट से चलता है और उसको पहली कंडीशन ट्रू मिल गई या लेफ्ट से जो भी कंडीशन पहली ट्रू मिल गई, फिर वो राइट साइड की कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गई चीज़? अब कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये
एन डबल इक्वल टू वाई फॉल्स, एन डबल इक्वल टू वाई फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स हो गए तो कहाँ गया? ब्रेक पे। ब्रेक इसको कहाँ ले जाएगा? लूप के बाहर, फाइल के बाहर। क्लियर हो गया टॉपिक? यानी तुम्हारा शेल प्रॉम्प्ट आ जाएगा। जस्ट टू ट्राई दिस, अगे शेल प्रॉम्प्ट वापस लौट आए। क्लियर है फंडा यहाँ तक? तो हमने ये सीखा कि और ऑपरेटर कहाँ यूज होता है लाइव एग्जांपल के थ्रू। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब ये जीरो का मतलब फॉल्स है, वन का मतलब ट्रू है। ये सोचिए दो बल्ब है, मैंने तुम्हें बताया था ये दो बल्ब है, जीरो जीरो दोनों ऑफ है, फिर एक ऑन कर दिया, दूसरा ऑन कर दिया, फिर दोनों ऑन कर दिया। ये बाइनरी की नंबरिंग है, जीरो वन टू थ्री की नंबरिंग। अब देखो कोई भी कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है आउटपुट क्या आया, ये ट्रू है आउटपुट क्या आया, ट्रू। इन दोनों में ये दोनों ट्रू है, लेकिन इसको देख कर किसी ने ट्रू दिया, समझ में आ गया? ये क्या लिखा हुआ है? इट लुक्स फॉर फर्स्ट ट्रू कंडीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इफ फाउंड इट रिटर्न्स ट्रू एंड इग्नोर ऑल राइट साइड कंडीशन। चाहे सारी फॉल्स हो, लेकिन उसको तो एक ट्रू चाहिए था ना, वो उसे मिल गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गई चीज, क्लियर है ये? हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या कर रहा है? 10 माइनस 10 जीरो, तुम लोग करवाया है तभी लिखा था। सी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन जीरो क्या मतलब है बताओ, आंसर क्या है इसका? जोर से बोलो, सी इज ग्रेटर देन जीरो है, फॉल्स है। क्यों भाई, सी इज ग्रेटर देन जीरो है, तुमसे पूछ रहे हैं तो बोलो ना, नहीं है ना? दोनों कंडीशन ट्रू गई या दोनों फॉल्स हो गई? दोनों फॉल्स हो गई तो देखो क्या था, अगर दोनों फॉल्स होगी तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ जाओगे, प्रिंट क्या होगा? आई समझ में बात? इधर बताओ इसका आंसर क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज है मेरे पास। हाँ एज ग्रेटर देन जीरो है, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स। हाँ स्नेहा बताओ, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। अच्छा ये ट्रू है तो फिर क्या इसको चेक करेगा? नहीं करेगा, इसके बेस पे यहाँ चला गया और उसने क्या प्रिंट किया? हेलो। अच्छा ऐसा नहीं कि पाइथन में हम सिर्फ कंडीशंस लिखते हैं, जावा वगैरह का मुझे पता नहीं है फिलहाल, अभी मैं इस पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जावा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ तो मैं नंबर्स भी पास कर सकता हूँ, हमेशा कंडीशंस नहीं पास कर सकता। फाइव और फोर ट्रू, सारे ट्रू है, फाइव भी नॉन जीरो है ट्रू है, फोर भी नॉन जीरो ट्रू है। तो जब सारे ट्रू होंगे तो जो पहला ट्रू होगा वो आंसर है। मैंने बोला ना पहली कंडीशन जो मिलेगी, तो पहली वैल्यू मिल गई तो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर वैल्यू मिली तो वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर मतलब वैल्यू पे आके रुका तो वैल्यू मिलेगी आउटपुट में, और अगर कंडीशन पे आके रुका तो फिर ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि पहला ट्रू ढूंढ रहा था। हाँ अगर ये पहला ट्रू ढूंढे और इसको सब फॉल्स मिले तो ये लास्ट वाली कंडीशन, ये भी जीरो, ये भी फॉल्स, ये भी। तो ठीक है, तुम भी फॉल्स हो, तुम भी फॉल्स, चलो तुम ही आ जाओ, ये हमेशा ऐसे होता है। हाँ मतलब अगर ये जो चीजें ढूंढता है, ये ट्रू ढूंढता है, उसको मिला नहीं, तो फिर जब नहीं मिला एट ऑल तो जो लास्ट में वैल्यू होती है वो मिल जाएगी। ठीक है, कहते सर ये कैसे हो रहा है, आप करके बताओगे? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्यों नहीं, डाउट। मैंने लिखा फाइव और जीरो क्या आएगा आंसर? फाइव जीरो और नन क्या आएगा? नन आया इसलिए कुछ नहीं रिटर्न किया, नन प्रिंट नहीं होता जब तक उसको ब्रैक किसी वेरिएबल में लेके प्रिंट के अंदर बंद नहीं करोगे, प्रिंट नहीं होता। ठीक है, नन आया, ठीक है। अच्छा जीरो और एम्प्टी क्या आएगा? तो जाया जब दोनों ही ट्रू नहीं थे तो जो लास्ट में था वो आंसर। इसका उल्टा देखो, एंड में आ जाओ, यहाँ पे समझ आ गया, क्लियर है लॉजिकल? आगे बढ़ो, एंड ऑपरेटर क्या ढूंढ, ध्यान रखना कभी भी पढ़ने को आए और ऑपरेटर ट्रू ढूंढता है लेफ्ट से, एंड ऑपरेटर फॉल्स ढूंढता है लेफ्ट से। हाँ एंड ऑपरेटर केवल तभी ट्रू देता है, सुनो, एंड ऑपरेटर
केवल तभी ट्रू देता है जब सारी कंडीशन ट्रू होती या सारे उसके ऑपरेंड ट्रू हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो यहां पर देखो उसका ट्रुथ टेबल, देखो कोई भी एक फॉल्स होगा तो आउटपुट फॉल्स है। इसलिए देखो तीनों क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स, ये दोनों फॉल्स थे तो इसलिए फॉल्स हो गया, ये दोनों में से ये फॉल्स था इसलिए ये फॉल्स हो गया, आउटपुट फॉल्स आया, और ये भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। यहाँ क्या हुआ, ये दोनों ट्रू है, आंसर क्या आया, क्लियर है फंडा। ये क्वेश्चन देखो, 10 10 माइनस 10, ए बी सी, एज ग्रेटर देन जीरो, बेस ग्रेटर देन जीरो, क्या आंसर आएगा बताओ, इसमें आप क्या आंसर आएगा, इसको कोई नहीं है वो ना क्लास में सो गए, पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना, एज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू हो गई, टेन इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन एंड में तो दूसरी भी चेक करेगा, सारी ट्रू होगी तब आउटपुट ट्रू आएगा, और फॉल्स उसे कहीं भी मिल जाएगा तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। बीस ग्रेटर देन जीरो है, हाँ भाई हेड आंसर क्या आया, ये वाला, क्लियर है, तो मत सुन जाएगी, यहाँ देखो नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर है, इन्वर्ट कर देता है कंडीशन को, ट्रू होगी तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू। अब फाइव क्या है, नॉन जीरो है, ट्रू है, फॉल्स आ गया, और जीरो होगी तो ये ट्रू या फॉल्स ही देता है, ये वैल्यू भी लेगा तो भी ट्रू या फॉल्स देगा, कंडीशन दोगे तो भी ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अच्छा अभी जान देखो, ये तुम कर रहे थे सॉल्व, ये तुम सॉल्व कर रहे थे, जीरो एंड फाइव क्या आंसर आएगा, जीरो क्या होता है, फॉल्स, उसको फॉल्स ही तो ढूंढना होता है, पहला फॉल्स उसे मिल गया लेफ्ट में, समझ में आ गया, फाइव एंड माइनस फाइव दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, अब इसको फॉल्स मिला ही नहीं, तो जो लास्ट में होगा वो आंसर होगा, क्लियर हो गया, फाइव फाइव, तो इसीलिए हमने, अब ये है इसके आंसर बताने, बताओ ट्रू एंड फॉल्स आंसर क्या है, एंड देखते जाना, एंड फॉल्स, तुम बताओ एनसी, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, नेहा फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, रिया फॉल्स एंड ट्रू, चलो इसका आंसर निकाल लेंगे, और है, और में ट्रू कब होता है तुम बताओ, और में ट्रू कब होता है, जब कोई एक ट्रू हो, और नॉर्मली पहले पहला ही ट्रू हो, ठीक है ना, चेक वो पहले से करता हूँ, ठीक है, तो कोई एक ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा, ये ट्रू है आउटपुट ट्रू, ये ट्रू है आउटपुट ट्रू, दोनों ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ये ट्रू है तो आउटपुट ट्रू, क्लियर हो गया। अब 10 और 20 आंसर, आंसर 10, 10 और 5 आंसर 10, 100 और 30, 300 आंसर 100, नॉट फॉल्स आंसर ट्रू, नॉट ट्रू आंसर फॉल्स, पहले ध्यान रखना कैपिटल टी कैपिटल एफ यूज कर, ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू, बताओ इन दोनों कंडीशंस में कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स, मतलब क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, दोनों कंडीशन जीरो से बड़ी हैं, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, सारी कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी में जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 2 4 8 8 है, ये तो आएगा ना, इस क्वेश्चन को देखो, अरे तो वो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम तो प्रिंट के अंदर पूरा प्रोग्राम बना दो, प्रिंट की जगह पे तुम 100 लाइन का प्रोग्राम लिख दो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रोग्राम चले तो चलेगा, तो हम अभी समझा रहे हैं कि सिर्फ तुम्हें दिखा रहे हैं कंडीशन कैसे चेक करनी है, तो कंडीशन चेक होने के बाद तुम्हें जो करना हो, काउंट करना है काउंट करो, डिस्प्ले करना डिस्प्ले करो, कोई प्रोग्राम लिखना हो वो लिखो, एज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो क्या है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ओवरऑल ट्रू है तो आंसर क्या है, 6, यहाँ पर आ जाओ, ए इज इक्वल टू ट्रू, इफ नॉट ए क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गए तो कहाँ जाओगे, एल्स में क्या प्रिंट होगा, कुछ मत करो, डू नथिंग, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन आ गए, कर लोगे ये क्वेश्चन अपने आप, ये वेरी गुड, इसको छोड़ देना है ना, भेज देंगे अभी आज शीट भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, रोडी लिंक डाल देंगे वर्ल्ड पे, हाँ इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22,
भैया तुम ही बता दो, एक वोल्ट स्नेहा चली गई क्या, नींद लग गई स्नेहा को? एक बहुत से नहीं है, चलो होगा, नेट खत्म हो गया। इक्वल टू 10 इफ ए नॉट, इफ नॉट ए मॉडुलो 5, ए मॉडुलो 5 कितना निकलेगा? जीरो। जीरो मतलब, जीरो मतलब फॉल्स, जीरो मतलब फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी रोल आएगा, ध्यान रखना। अच्छा मैं तुम्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस बता देता हूँ। कोई कहेगा सर पहले नॉट चलाएंगे या पहले इक्वल टू वाला करेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। हाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पहले नॉट चलेगा, दीदी कह रही है पहले नॉट चलेगा। देखो सबसे ऊपर कौन है, हाँ अभी बताओ सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर होता है पेरेंथेसिस, कौन होता है सबसे ऊपर? फिर कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसका नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल, डबल एस्ट्रिक नहीं होता, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अच्छा प्लीज 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 बहुत सोच समझ के, फिर उसके बाद कौन आता है? इनटू डिवाइड मॉडुलो डबल डिवाइड, हाँ बेटा क्या आता है बताओ, बट वाइज के पहले आता है, बिटवाइज पे आएंगे, बिटवाइज पे नहीं, बिटवाइज में लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं इसमें बिटवाइज नहीं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ बिटवाइज नहीं है ना, इनके हिसाब से मैं चलूँ, वो तो मेरे पास चार्ट है मैं भी देखता हूँ, तो वो तो मैं बता, ये तो समझ आ गए सारे। फिर क्या आएगा? प्लस माइनस। अच्छा अब तुम गौर से देखो सारे ऑपरेटर्स जो तुमने अभी यहाँ नीचे लिखे हैं कौन से हैं, एरिथमेटिक है या नहीं? एरिथमेटिक है। फिर उसके बाद कौन से आएंगे? उसके बाद रिलेशन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, नॉट इक्वल, सारे हो गए एक लेवल पर। अच्छा फिर कौन आएगा उसके नीचे? फिर आते हैं लॉजिक, फिर आता है नॉट, फिर आता है एंड, और उसके नीचे होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बॉक्स ये होगा ऑपरेटर्स का, तो रिलेशनल बन गए सारे, एक बॉक्स ये होगा ठीक है लॉजिकल का, तो सारे लॉजिकल, और सबसे नीचे नॉर्मली जो हमारे पेपर्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इन्हीं ऑपरेटर्स में से पूछे, सबसे नीचे कौन सा होता है? असाइनमेंट होता है सबसे लास्ट। तो बताओ कि सबसे पहले रिलेशनल सॉल्व करोगे और लॉजिकल सॉल्व करोगे, है ना? तो ये अरिथमेटिक हो गए, ये रिलेशनल हो गए, ये लॉजिकल हो गए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नॉट इन इस भी है, इन भी है, वो भी आएंगे कहीं ना कहीं, पर अभी उनमें नहीं जा रहे हैं। हम बेसिक जितने भी हमें न्यूमेरिकल के लिए पूछे जाते हैं इस पे अभी इक्वेशंस बनते हैं वो लोगों ने, यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशनल सॉल्व करेंगे और रिलेशनल का जो आंसर आएगा फिर लॉजिकल होगा, समझ आ गई? तो पहले हम ए मॉडुलो 5 निकालेंगे, वो हमें पता है जीरो आएगा, जीरो डबल इक्वल टू जीरो हो गया, टू टू का उल्टा हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो आंसर कहाँ जाएगा? ये ई इज फॉर एक्सक्यूज इज अ साइन ऑफ, क्लियर हो गया टॉपिक? ऑपरेटर समझ आ गए सारे, मतलब ये पर्टिकुलर ऑपरेटर क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें थी तो मैं समाप्त कर रहा हूँ एक तरफ से, क्लियर करके ताकि चीज़ें समझते जाएं बच्चे और करते जाएं, और ये हो जाता है ना जो भूल जाते हैं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा पहुँचे। अब चलो बिटवाइज ऑपरेटर्स आ गए, है ना, पढ़े होंगे सबने बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज क्या करते हैं, पहले जो नंबर तुम्हें मिले ना उसको किस में कन्वर्ट करो? बाइनरी। ये मैं बाइनरी फिलहाल यहाँ नहीं बता रहा हूँ, एक प्रॉपर तरीका है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी उसका लेक्चर मेरे मेरे 11th के में पढ़ा हुआ है, 11th की प्लेलिस्ट है उसमें, क्लास 11 की उसमें पढ़ा हुआ है हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं बस इतना बताऊंगा यहाँ पर कि आपको हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और फिर पेयर बाई पेयर आपको चलना है, पहले आप इस पेयर को सॉल्व करोगे, फिर आप इस पेयर को सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर लास्ट वाले पेयर। और तरीका क्या है? और ऑपरेटर अभी आप पढ़ के बैठे हो वही लॉजिक है, और में ट्रू कब? जब कोई एक ट्रू, जब कोई एक ट्रू या मतलब लेफ्ट से पहला ट्रू, यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, नंबर है ऊपर नीचे लिखा है, तो कोई भी एक ट्रू का आउटपुट ट्रू मतलब वन, समझ में आ गया?
बिटवाइज और का बिहेव क्या है कि बिटवाइज जितने ऑपरेटर हैं सब में ये कि आप अपने डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद जो पेयरिंग बने ना दो नंबर के बीच में तो हर पेयर को फिर वही और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक लगाओ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा कि सर ये नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर है 10 और 6, तो सर 10 की बाइनरी क्या होती है 1010, 6 की बाइनरी क्या होती है 110110, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों आपस में चेक होंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0, ये दोनों 1 है, आउटपुट क्या हो गया कोई भी एक 1 तो आउटपुट 1। यहाँ पर इसका देखो, इसको देखो, इसको तभी 1 आएगा, और ये अकेला है इसके साथ 0 लगा लो तभी 1 हो गया। अब ये क्या नंबर बना, 14 बन गया, क्या बना 14, ठीक है ना, 8 + 6 = 14। पेपर में आंसर आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है सर हमें तो पता नहीं है कैसे निकालते हैं, हम तो भूल गए पेपर में, भाई आ क्यों नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, और सेंट मैरी में तो पक्का क्लियर हो गया टॉपिक को। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई बहुत आसान है, किसी भी डेसिमल नंबर से, इसका बहुत बेसिक चीज क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब सर मुझे तो नहीं आता, अब एक बच्चा जो इसको पढ़ रहा होगा लो अब हमें तो बाइनरी और डेसिमल नहीं आता, अब जाओ पहले 11 पढ़ो, खोलो किताब 11 की, उससे पहले समझो कि डेसिमल से बाइनरी बदलते कैसे। नहीं भाई मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, डेसिमल से कभी भी अगर अदर नंबर सिस्टम में जाना हो, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम मतलब कौन से हो गए अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल तो एक हो गया, अदर कौन से हुआ, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, अगर तुम्हें जानना है तो भाई तुम्हें एक काम करना, इसकी बेस कितनी होती है 2, क्योंकि 2 सिंबल होते हैं, इसकी बेस कितनी होती है 8, क्योंकि 8 सिंबल्स होते हैं 0 to 7, और इसकी बेस कितनी होती है 16 होती है, क्योंकि टोटल 16 सिंबल होते हैं 0 से लेकर 15 तक, 10 से लेकर 15 तक के कोड्स होते हैं 8 से लेकर के F तक, और ये वो जगह है जहां तुम इसे लोअर भी लिख सकते हो अपर भी लिख सकते हो, पाइथन कुछ जगहों पे केस सेंसिटिव नहीं है, 0 भी 0 और 0x यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड्स लिखने में क्या नहीं है। अच्छा तो क्या करें, इसका तरीका क्या, भाई बड़ा सिंपल है, किसी ने कहा सर 25 का मुझे बाइनरी निकालना है, बहुत आसान है, इस बाइनरी निकालना है, क्या निकालना है बाइनरी, बाइनरी मतलब बेस 2, कहाँ पर हो तुम, बेस 10 पे, बेस 2 निकालना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसके रिमाइंडर्स का सेट निकालो रिवर्स ऑर्डर, 25 + 2 = 24 होगा, रिमाइंडर 1, बताओ इसका कितना आएगा, आंसू कितना आएगा, ये क्या आएगा इसका आंसर, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, तुम 12 को, मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूं ना 2 से, क्वेश्चन कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 0, इधर आओ अब कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा, जोर से बोलो 0, अपने मुंह में बोल रहे हो, हाँ तो कितना आएगा, क्वेश्चन कितना, रिमाइंडर कितना, क्या बना नंबर तुम्हारा 1110011, ठीक है। किसी ने कहा 25 का ऑक्टल क्या होता है, किसी ने कहा 25 का ऑक्टल क्या होता है, अरे 25 का ऑक्टल सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 25 का ऑक्टल निकालना साहब, कितने से डिवाइड करोगे 8 से, करो ना सेम तरीका है 8 25, रिमाइंडर स्टोर करो 8 3 24, रिमाइंडर कितना आया 1, आंसर कितना हुआ 31। इसी ने कहा 25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है सर, एक ही प्रोसीजर है, देखो बेटा एक ही प्रोसीजर है, बार बार सिखा रहा हूँ, अरे 10 है ये, एक ही प्रोसीजर है, डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में एक ही प्रोसीजर है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस वैल्यू एंड स्टोर द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर इंक्लूडिंग द लास्ट क्वेश्चन आल्सो, ओके। तो क्या करोगे 25 25 से डिवाइड करो 16 से, क्या आएगा कितना आएगा, अरे 25 16 से डिवाइड करें कितना आएगा 16 1 16, रिमाइंडर कितना बचा 9 9 आएगा, तो आंसर कितना हुआ 19 हो गया, दैट मच ओनली, ये 19 हो गया, ये 31 हो गया, कितना हो गया 00 11 001। प्रोसीजर समझ आया नहीं आया सर,
है। अब जब तुम इसका बाइट बिट वाइज और या एंड लगा के बाइनरी में आंसर निकाल लोगे तो लो अब हमें बाइनरी से डेसिमल नहीं आता, बाइनरी से डेसिमल कैसे निकाले, तो बाइनरी से डेसिमल कैसे निकालो, रिकॉर्ड हो रहा है परेशान नहीं हुई, यूट्यूब चैनल में चला जाएगा वहां से पढ़ लेना। देखो सर 11001, सर 11001, सर दिस इज बाइनरी, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम अदर अदर नंबर सिस्टम टू टू डेसिमल, वापस आ रहे हैं डेसिमल में, अभी डेसिमल से चले गए तो उधर की तरफ, अब हम वापस आ रहे हैं, क्या तरीका है, अरे सर बहुत सिंपल है सर, बाइनरी से डेसिमल लाना है सर, ऑक्टल से डेसिमल लाना है सर, हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल लाना है सर, सर प्रोसीजर ही नहीं पता सर, अरे भाई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, क्या प्रोसीजर है सर, पुट द पावर, सर जी पुट द पावर फ्रॉम 0 to n 0 1 2 3 4, सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए अलग लेक्चर है, ये लेक्चर सिर्फ अभी बिट वाइज ऑपरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या करा हमने इसका, 1 into 2 की पावर कितना हुआ, 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 into 2 की पावर 1, 0 into 2 करो 0 हो जाएगा, इसको करो 2 into 1 into 1 into 2 की पावर 3, ये कितना होगा 1 into 1 into करने की जरूरत है, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 1 into 2 की पावर 4 बेटर, अभी 2 की पावर 4 सबको ऐड कर दो, 2 की पावर 4 कितना हुआ, 2 पावर 3 कितना हुआ, और 2 की पावर 0 कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 25 हो गया है, आंसर आ गया, यही क्वेश्चन था, 25 से निकाल के लाए थे क्वेश्चन, वापस आ गए अब हम 25 में वापस लौट गए, वेरी गुड सर, चेक करो 31 आया था आंसर इसका ऑक्टल का, ये सर 31 लिखा था आपने, हाउ इट इज ट्रू, पता नहीं सर गलत तो नहीं कर दिया आपने कुछ, अरे भाई लिख लेते हैं, अरे सर 0 1 0 1 1 into 1 into बेस की पावर 0 प्लस 3 into बेस की पावर, बेस इज 8 की पावर 1, सर जी जोड़ो इसको, 3 8 से कितना हुआ 24, और ये कितना हुआ 1, कितना हुआ सर 35, सर ये 19 था आपने सॉल्व किया था, पता नहीं गलत था सही था मालूम ही नहीं सर, है सर क्या करो, अरे बेटा पावर रखो यार, टेंशन ही नहीं लो किसी चीज की, चलो इसको 9 into 16 की पावर 0, 1 into 16 की पावर 1, ये कितना होगा 9 होगा, क्यों ये 9 होगा ना, प्लस ये कितना होगा, टोटल करो कितना हो गया, खत्म, क्लियर हो गया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बिट वाइज ऑपरेटर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, बस आ जाओ बस बहुत तेजी से, और अगर कभी तुम्हें सिस्टम मिल जाए तो प्लीज डोंट वरी, ये देखो तुम एक फंक्शन होता है डेसिमल से बाइनरी लाने के लिए बिन फंक्शन, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए ऑक्ट फंक्शन, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हेक्स फंक्शन, और आंसर ना आए ना तो बताओ, ये आ जाओ इधर देखो, देखो इधर बाइनरी लिखा 25 लिखो ना आंसर है 11100 भी लगाओगा, लेकिन 0 भी 11001 क्योंकि पाइथन में 0 भी प्रीफिक्स मिलेगा, ऑक्टल ले लो ऑक्टल इसका 25 का क्या निकला था 31 निकला था 0 31 आएगा, हेक्साडेसिमल था 0 0x19 आएगा, 0x19 आएगा आ रहा है, और तुम लिखो देखो a is equals to 0x19 लिखो, तुम लिख दिया, तुमने लिख दिया, a को प्रिंट करो, लिख गया तुमको, अगर तुम्हारे पास कोई बाइनरी नंबर हो तो तुम उसमें 0 भी लगा करके वेरिएबल में साइन करो, उसको जैसे ही प्रिंट करोगे वो अपने आप डेसिमल बता देगा उसका क्या, क्लियर हो गया टॉपिक, तो इस तरीके से तुम किसी भी नंबर का बाइनरी हेक्साडेसिमल निकाल दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैंने तुमको क्या सिखा दिया कैसे किसी भी नंबर का वो निकालते हैं, देखो 17 की बाइनरी हमने निकाली होगी, इससे एक शॉर्टकट भी है, बच्चे बहुत सारे कहते हैं सर शॉर्टकट बता दो, 2 का शॉर्टकट क्या है, 2 पे कितनी पावर है 1, 1 पावर है 1 पावर है 1, क्या कर रहा हूँ, तो 1 क्या लिखो 1 के बाद एक 0, 4 को 2 की पावर में लिखो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 1 के बाद कितने 0 लगा दो 2, 8 2 की पावर कितना हुआ 3, 1 के बाद कितने 0 लगाओ 3, ये बाइनरी है इसकी, और 16 हमने 17 की बाइनरी पूछी थी 2 की पावर 4 कितने 0 आएंगे 4,
40 आएंगे, और हमने तुमसे पूछा 17 की बाइनरी क्या, तो अगर 16 की बाइनरी में एक ऐड कर दोगे 17 की बाइनरी नहीं हो जाएगी हैं? क्या ये आंसर आएगा 100001 आएगा? देखो निकाला हमने यहाँ पर, यहाँ देखो ये निकाला है 100001 लिखा है ये, हाँ वही तो है 12 की बाइनरी। अरे सर 8 की बाइनरी क्या होती है, 8 और 4 को जोड़ दो, 8 की बाइनरी 2 की पावर 3 100, 4 की बाइनरी 100, आपस में जोड़ो सबको 1100 नहीं हो जाएगी? आ गई हमारी शॉर्टकट है, कुछ शॉर्टकट है ठीक है, बस इसको आप वही निकालना है, और का मतलब कोई एक ट्रू हो, ये ट्रू है आंसर 1 आया, ये दोनों 0 हैं तो आंसर 0 हो गया, एक 1 है तो इसलिए 1 आ गया, इसलिए 1 आ गया, इसलिए 1 आ गया। अब इसकी बाइनरी 1101 क्या होगी, इसकी डेसिमल बताओ, अभी बताया था 1101 की वो निकालो डेसिमल वैल्यू क्या निकलेगी, 1101 की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी क्या बताया था जल्दी बताओ, 01 पावर लगाने में बच्चे गलती करते हैं, लेफ्ट से राइट लगाने लगते हैं, पढ़ते राइट से लेफ्ट, जैसे मैंने बताया था ना, मैं बताता हूँ बैक स्लैश क्या है, ये कॉपी में लिखेंगे ये जैसे कहा होगा स्लैश एन लगाना, सर कह रहे स्लैश एन लगा रहे, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा क्योंकि तुमने ये लगा के बैठे हो ठीक है, और एक्सपर्ट इसका कर रहे हो, देखा कुछ है और लिखा कुछ है तुमने, इसलिए प्लीज राइट टू लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट टू राइट, क्यों कितना आएगा 2 की पावर 0 कितना हुआ 2 की पावर 2 कितना हुआ 2 की पावर 3 कितना हुआ 2 की पावर कितना हुआ 16 ये कितना हुआ 8 दिस इज 4 दिस इज 1 नाउ जस्ट डू दैट टोटल व्हाट इज द आंसर 16 + 8 24 + 5 आ गया आंसर सो द फाइनल आंसर शुड बी इन द डेसिमल नंबर शुड बी इन द डेसिमल देन यू विल गेट आंसर ऐसे नहीं बाइनरी लिख के छुट्टी पा लोगे तो मार्क्स दे देगा टीचर कोई नहीं देगा क्लियर हो गया बिटवाइज एंड में आ जाओ एंड ऑपरेटर क्या करता है अब बिटवाइज सीख गए बाइनरी से और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर लोगे अब जल्दी बताओ एंड क्या करता है अगर कोई एक वन होगा तो फॉल्स जब तक सारे वन नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं आएगा क्या लिखा है इफ बोथ बिट्स आर वन देन आउटपुट इज वन एल्स फॉल्स एल्स जीरो क्लियर हो गया तो 10 और 6 का आंसर निकालो बताओ निकालो सॉल्व करके लाओ चलो बताओ क्या आंसर आएगा मैं नहीं निकालूंगा आएगा इन लोगों को लॉक कर देते कुछ दिखे इन लोगों को दिखे लॉक क्या आएगा 1 आएगा 10 की बाइनरी 8 + 2 8 का मतलब ये मैं बहुत वीक हूँ मैं बहुत बिगिनर स्टूडेंट हूँ मुझे नहीं आता मैं कह रहा 10 की बाइनरी यार मैं डिवाइड नहीं करना चाहता आई एम सो लेजी मैं कह यार 10 की बाइनरी 8 + 2 होती है 8 की बाइनरी सर को याद करा दी ये याद है मुझे 2 की बाइनरी क्या है आपस में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 10 ये 10 हो गई 6 की बाइनरी सर 4 की बाइनरी पता है सर सर ने 2 की पावर 2 बताया था यानी 1 के बाद 2 0 4 है 6 मतलब 10 4 + 2 ये 4 ये 2 4 + 2 कितना 6 2 की बाइनरी 2 की पावर 1 4 की बाइनरी 2 की पावर 2 1 के बाद 2 0 1 के बाद 1 0 जोड़ दिया क्या बना लिख दो यहाँ पर 1 1 0 यहाँ 0 लगाओ यहाँ 0 लगाओ 0 है यहाँ 1 है जब तक सारे 1 नहीं होंगे आंसर 1 नहीं आएगा अरे 3 आंसर हो गए 6 1 और 2 तो आंसर क्या आएगा 2 क्या होगा इसका कन्वर्ट करो क्या आंसर अच्छा इसका प्रोसीजर नहीं शो करना है पेपर में आपको डायरेक्ट कर यू नो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 10 यू जस्ट पुट डायरेक्टली डोंट सॉल्व इट ऑन द कॉपी नो नीड टू सॉल्व इट आंसर इज 2 गॉट इट क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट पक्का आएगा जो पढ़ा रहा हूँ पक्का है रिविजन टूर से पेपर बनेगा दबा के रिविजन टूर आएगा समझ लेना मुझे पीरियोडिक पेपर होगा मजे का पेपर आएगा कुछ भी पूछ सकते हो जो मर्जी आगे पूछ रहे जो सोचेगा ये नहीं पढ़ा होगा बाबा ही से पूछ तो कोई लेना देना नहीं है कि जो ट्रेडिशनल पेपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बोर्ड के हिसाब से आते हैं कुछ नहीं ही विल गैस ब्लाइंडली देयर विल बी अ गैस वेदर दिस क्वेश्चन का या दिस क्वेश्चन नहीं ये आता होगा ये बच्चे से ये पढ़ा दिया होगा ऐसा पूछो जो अच्छा ये नहीं पढ़ा होगा ये चीज तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट दे दो आदत है ना बंदे की दैट इज द
अब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम ये है, ये यूनरी है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एन माइनस वन। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिटवाइज टू, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट टू, तो आप क्या लिखोगे, माइनस टू माइनस वन, क्या मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू ऑड है वो तो फॉर्मूला लगेगा, अगर ये वैल्यू इवन है मतलब ये वैल्यू ऑड है, कॉम्प्लीमेंट अगर एक बार लगा, तीन बार लगा, पांच बार लगा, सात बार लगा, तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, आप सोचो ना, आपने एक वैल्यू को पहले लिखा फाइव, पूछेगा इसकी नेगेटिव बताओ, आपने माइनस फाइव, मतलब फिर से नेगेटिव लगाओ, क्या मिलेगा। तो बस यही तो चीज़ यहाँ हो रही है, आपसे पूछा बताओ माइनस टू का बिटवाइज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या है टू का, आपने कहा सर माइनस थ्री, अब वो पूछेगा कि बताओ कि दो बार लगा देना है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या निकाला है, इसका आंसर क्या निकाला अभी, माइनस वन माइनस माइनस टू माइनस वन लिखा ना, क्या निकला। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं हो तुम, हाँ आंसर क्यों नहीं देते हो, मिलते रह रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, सो प्लीज रिप्लाई, टाइमली रिप्लाई करो ना, दिस इज माइनस थ्री और नॉट इट। अभी वो कह रहा है कि माइनस थ्री पे अगर हमने टिल्ड लगाया, ये ना डबल डबल, ये तो हुआ ना उसका मतलब, क्या आंसर आएगा उसका, माइनस थ्री मतलब माइनस माइनस थ्री होगा, माइनस वन होगा, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री पॉजिटिव थ्री हो गया, थ्री माइनस वन क्या मिला, वही तो मिल गया ना, जो पास किया वही मिल गया, मुझे आया समझ में। यानी कि अगर तुम्हारे पास बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इवन है तो तुम्हें वही नंबर मिल जाएगा जो तुमने पास किया होगा, क्योंकि ये पहले तुम्हें सिक्स बताएगा, ये वाला नंबर इधर तक देखो, जस्ट वन ये तुम्हें समझ आ, अगर किसी ने कहा तो ये बताओ माइनस, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस सिक्स, इसका आंसर कितना आएगा, फाइव, इसका आंसर कितना आएगा, फिर माइनस सिक्स, समझ आ गया। ऑड है तो ये फॉर्मूला लगा दो, और अगर ये जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट अगर इवन टाइम्स है तो वही नंबर आ जाएगा, सीख गए। अब पेपर में इतना सिंपल नहीं आता, पेपर में से लिख देगा, फिर फाइव। अब जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसका बड़ा सोल्यूशन नहीं लिखना, सीधे लिखना, ठीक है। आंसर क्या आएगा, माइनस एन माइनस वन लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है, और माइनस एन माइनस वन करोगे तुमने कहा ऐसा, ये तो ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस सिक्स। ये 50 बार सॉल्व थोड़ी करेंगे, मालूम है इसका तरीका क्या हो गया, क्लियर है, पढ़ते जाओ, ठीक है, बस आप छोड़ दो।